नमस्ते, हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी चापुरा शार्ट एंड क्राफ्ट्स में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ठंड बहुत पड़ रही है तो क्यों ना आज हम लोग ठंडों के ही मतलब का कुछ बनाएं। आज मैं आप लोगों के लिए निटिंग से हैंड ग्लव्स बनाना लेके आई हूँ। दोस्तों, अभी तक मैंने आप लोगों को निटिंग नहीं सिखाई है। अगर आप बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप निटिंग सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं आप लोगों को बिल्कुल एक एक स्टेप करके ये भी सिखाऊंगी। तो चलिए अभी हैंड ग्लव्स बनाते हैं। दोस्तों, आज हम लोग इस तरह के हैंड ग्लव्स बना रहे हैं। इसके लिए मैंने ये वर्धमान कंपनी का कॉटन यार्न लिया है और इस यार्न की थिकनेस के हिसाब से इसकी नीडल्स चाहिए। ये मैंने 10 नंबर की ली है, 10 नंबर माने 3.25 mm। और ये मैं आपको पहले क्रोशिए में भी बता चुकी हूँ कि निडिल का नंबर आपके निटिंग स्टाइल पर डिपेंड करता है। यदि आपका हाथ बहुत टाइट चलता है तो आप हल्की सी थिकर निडिल लें, और यदि आपका हाथ लूज चलता है तो थोड़ी सी पतली निडिल लें। पतली का मतलब हो जाएगा हम 10 की जगह 11 नंबर की लेंगे, और जिस नंबर की ये निडिल लें उसी नंबर की हमें ये दोनों साइड से ओपन वाली 4 निडिल्स चाहिए, क्योंकि ये बॉर्डर बनने के बाद ऊपर का पोर्शन राउंड बनता है, वो हम 4 निडिल से बनाएंगे। सबसे पहले निडिल में फंदे डालेंगे। उसके लिए इधर से करीब आप ये 2.5 फुट थ्रेड छोड़ दें और यहाँ पे एक फंदा लगा के निडिल में ले लेंगे। बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है, ये स्मूथली निडिल इसमें वर्क कर सके इतना टाइट चाहिए। अब इसके बाद राइट हैंड वाले थ्रेड को हाथ में इस तरह घुमा के पकड़ लेंगे और इस तरह निडिल में डालेंगे, और फिर लेफ्ट हैंड वाले थ्रेड को निडिल के ऊपर से ले आएंगे और फिर राइट हैंड वाले थ्रेड को लेफ्ट हैंड वाले थ्रेड के ऊपर से निडिल में से निकाल लेंगे और फिर दोनों थ्रेड खींच के टाइट कर देंगे। फिर दोबारा इसको उसी तरह निडिल पे लेंगे और इधर वाले थ्रेड को इसके ऊपर से लाके इसको निकाल देंगे। बस ये ध्यान रखिएगा आप कि इसकी लूजनेस एक सी आए, अगर ये कहीं ढीले कहीं टाइट बनेंगे तो नीटनेस नहीं आएगी। इसी तरह हम इसमें 51 फंदे डाल लेंगे। देखिए, ये 51 फंदे हो गए और इनकी लूजनेस या टाइटनेस एक सी है, इसलिए ये नीचे वाली लाइन भी बिल्कुल एक सी आ रही है। यदि ये ढीले टाइट डालेंगे तो इस लाइन में नीटनेस नहीं आएगी। अब इनको थोड़ा आगे की तरफ सरका लेंगे और ये वाला जो थ्रेड इसका एक्स्ट्रा बच गया है इसको हम अभी यहीं फोल्ड कर देंगे, बाद में इसको कट कर देंगे। फोल्ड इसलिए करना जरूरी है जिससे ये काम करते में अड़े नहीं। अब ये थ्रेड को पकड़ने का जो तरीका है वो है लिटिल फिंगर के बीच में से निकाल के और इस तरह लेके मिडिल फिंगर को थ्रेड के ऊपर रखेंगे और फर्स्ट फिंगर को फिर से थ्रेड के नीचे कर देंगे। अब पहले आप निडिल पकड़ लें, फिर ये थ्रेड इस तरह पकड़ लें। सबसे पहले फंदे में से यहाँ से निडिल को हम एंटर करेंगे और इस थ्रेड को नीचे की तरफ से निडिल के ऊपर लाएंगे और इस फंदे के बीच में से निकाल लेंगे और ये फंदा इस पे से उतार देंगे। बॉर्डर हम एक सीधे एक उल्टे का बनाएंगे। ये जो अभी हमने निट किया ये सीधा फंदा था, उल्टा बनाने के लिए इस थ्रेड को इधर पीछे की तरफ ले लेंगे और निडिल को इसमें नीचे की तरफ से एंटर कराएंगे और फिर इस थ्रेड को निडल के नीचे से ऐसे लाएंगे और फिर इस फंदे को इस तरह निकाल देंगे और ये सेकंड फंदा भी सलाई पे से निकाल देंगे। फिर इस थ्रेड को आगे लेंगे और यहाँ से निडल को एंटर करते हुए इस तरह लाएंगे और फिर इस थ्रेड को इस पे लेके इस पे से उतार देंगे।
आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो बहुत धीरे धीरे आराम से करिए। इसी तरह हम इसको पूरा बना लेंगे। देखिए ये लाइन कंप्लीट हो गई। फर्स्ट लाइन में जो हमने उल्टे फंदे बुने थे वो यहाँ सीधे हो गए और जो हमने सीधे बुने थे वो उल्टे हो गए। इसलिए अब इस लाइन में हम उल्टे के ऊपर उल्टा बनाएंगे, सीधे के ऊपर सीधा बनाएंगे। तो अब पहला फंदा हम उल्टा बुनेंगे, फिर ये थ्रेड आगे करके नेक्स्ट सीधा बनाएंगे, फिर इसको पीछे करके उल्टा, दोनों साइड से हमें उल्टे के ऊपर उल्टा बुनना है, सीधे के ऊपर सीधा। इस साइड से जो सीधा फंदा है उस पे सीधा बुनेंगे और जो उल्टा फंदा है उस पे उल्टा बुनेंगे। देखिए सीधे फंदे पे तो ये फली बनती है और उल्टा फंदा इस तरह का बनता है। देखिए ये बॉर्डर कंप्लीट हो गया। इसमें हमने 14 लाइंस बनाई हैं। अब इसे हम गोल करेंगे और फिर आगे का पोर्शन गोल करके बनाएंगे। उसके लिए हम ये 4 नीडल्स यूज करेंगे। इन सारे फंदों को हम 3 नीडल्स में इक्वली डिवाइड कर लेंगे।
एक चीज और आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ये फंदे ऐसे नहीं उतारने हैं, ये फंदे इसी ढंग से उतारने हैं। ऊपर से करेंगे तो ये उल्टे हो जाएंगे। देखिए ये तीन सिलाइयों में करने के बाद इसको हम राउंड करने के लिए सीधी तरफ से भी कर सकते हैं और उल्टी तरफ से भी कर सकते हैं। हमें फिंगर्स तो उल्टी तरफ से बनानी है, लेकिन अगर आप चाहें तो ये सीधी तरफ से बना सकते हैं, बाद में इसको उल्टा पलट सकते हैं। तो सीधी तरफ से बनाने के लिए हम इसको इस तरह फोल्ड करेंगे कि ये लाइन बाहर की तरफ रहे। ये इसकी सीधी साइड होती है और ये वाला जो पोर्शन होता है ये उल्टी तरफ आता है। इस तरह हम इसको पलट लेंगे। देखिए अब इसको थोड़ा सा हमें ओवरलैप करना है जिससे इसमें बटन लग सकें, जैसे ये किया हुआ है। उसके लिए इस साइड के तीन फंदे हम इस निडल पे अल्टरनेट ले लेंगे। इसके आगे के दो फंदे उतार लेंगे हम इस निडल पे पहले, और फिर एक फंदा इसमें से लेंगे और फिर एक इधर का चढ़ाएंगे इस पे, फिर एक इस साइड का इस पे चढ़ा देंगे और फिर ये चढ़ाएंगे और फिर एक और चढ़ा देंगे। मतलब इस निडल के तीन फंदे हमने इधर वाली निडल पे ले लिए। अब फोर्थ निडल से हम इसको निट करना स्टार्ट करेंगे। निट करने के लिए हम आगे के दो फंदे एक साथ बुनेंगे इस तरह। ये निडल आगे के दो फंदों में से एक साथ एंटर करके निकाली है और इन दोनों को एक साथ निडल पे से निकाल देंगे। फिर नेक्स्ट टू एक साथ बुनेंगे और फिर तीसरा भी इसी तरह बुनेंगे। यहाँ पे तीन फंदे कम भी हो गए और ये ओवरलैप हो गया जिससे बटन इसमें प्रॉपर लग सकेगा। अब अभी तक तो हमने ये बॉर्डर बुना था, इसलिए एक उल्टा एक सीधा बुना था। अब आगे का हम प्लेन बुनेंगे, मतलब पूरा सीधा सीधा ही बुनेंगे। अब इसमें आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि ये फंदे तीन निडल में हैं। अगर हम लगातार सेम फंदे एक निडल पे रखेंगे तो ये यहाँ से ऐसे चौड़ा हो जाता है और लूज हो जाएगा। इसलिए जब भी आप एक निडल के फंदे खत्म करें उसके बाद एक या दो फंदे नेक्स्ट वाली निडल के इसी निडल से बुन लें, फिर नेक्स्ट निडल चेंज करें। ऐसा करने से फंदे रोटेट होते रहेंगे, उससे लूजनेस नहीं आएगी यहाँ पे। फिर नेक्स्ट निडल लेके और यहाँ से हम इसको निट करना शुरू कर देंगे। यदि आप पहली बार फोर निडल से बुन रहे हैं तो आपको थोड़ा सा अटपटा लग सकता है, क्योंकि ये काम करने में थोड़ी थोड़ी अड़ती भी हैं बीच बीच में, आपको थोड़ा केयरफुली करना पड़ेगा।
अब दो फंदे इधर से बुन लेंगे। इसी तरह हम इसकी 6 रो बना लेंगे। देखिए इसकी हमने 6 रो बना ली। अब जब हम एक उल्टा एक सीधा बना रहे थे तो इसकी फलियां बन रही थी और यहाँ पे बिल्कुल प्लेन बन रहा है। अब यहाँ हमें अंगूठे के फंदे बढ़ाने हैं क्योंकि अंगूठा टेढ़ा जाता है तो यहाँ पे हमें कुछ फंदे एक्स्ट्रा चाहिए होते हैं और हम ये फंदे इस साइड भी बढ़ाएंगे और इस साइड भी बढ़ाएंगे। बीच में अंगूठे के लिए हम 16 फंदे रखेंगे। तो यदि हम ये बटन यहाँ सेंटर में लेते हैं, ये देखिए ये वाला इसका पॉइंट है, यहाँ से हमने ये 5 फंदे बुन लिए। अब छठा फंदा जो है इस पे हम एक फंदा बढ़ाएंगे। उसके लिए पहले तो हम इसको नॉर्मल बना लेंगे, उसके बाद इसको निडल पे से उतारेंगे नहीं बल्कि पीछे से एक बार और बुन लेंगे। ये एक फंदा इस पे एक्स्ट्रा बन गया। अब 15 फंदे नॉर्मल बनाएंगे। ये 15 फंदे हो गए। अब जो 16th फंदा है इस पे हम फिर से एक फंदा बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले तो हम इसको नॉर्मल बना लेंगे और फिर फंदे को सिलाई पे से उतारे बिना पीछे वाले थ्रेड में से एक फंदा और बना लेंगे। ये वाला पीछे का थ्रेड है। यहाँ पे 2 फंदे बढ़ गए। अब इसी तरह हम इसमें हर अल्टरनेट रो पे एक एक फंदा दोनों साइड बढ़ाते जाएंगे।
देखिए ये बढ़ा हुआ वाला फंदा आ गया। अब इसमें हमें एक बात का और ध्यान रखना है कि ये वाला जो फंदा है ये बिल्कुल रेगुलर चलेगा ऊपर, और अभी हमने जो फंदा बढ़ाया है अब हम उस फंदे के ऊपर दूसरा फंदा बढ़ाएंगे। इस साइड हम हर बार जो फंदा हम बढ़ा रहे हैं उसी के ऊपर दूसरा फंदा बढ़ाएंगे, और दूसरी साइड हम बढ़े हुए फंदे पे फंदा नहीं बढ़ाएंगे बल्कि जो 16th फंदा है उसके ऊपर हर बार फंदा बढ़ाएंगे। ये चीज आपको बिल्कुल याद रखनी पड़ेगी जिससे ये फंदा इधर भी मेंटेन रहे और इधर भी मेंटेन रहे। अब ये बढ़ा हुआ फंदा है इसको हम एक बार आगे से बुनेंगे इस तरह, और फिर पीछे से बुनेंगे। देखिए ये वाला 16th फंदा है और इसके आगे वाला ये हमने पिछली बार बढ़ाया था, तो हम अभी 16th फंदे में एक फंदा बढ़ाएंगे। यहाँ पे भी दो फंदे बढ़ गए और यहाँ भी दो फंदे बढ़े। इसी तरह हम 7 फंदे इधर बढ़ा लेंगे और 7 फंदे इधर बढ़ा लेंगे। देखिए दोस्तों टोटल 14 फंदे बढ़ गए, और यहाँ हमने 6 रो बनाई थी, 14 फंदों के लिए हमने यहाँ पे 14 रो और बना ली क्योंकि हर अल्टरनेट रो में हमने फंदे बढ़ाए हैं और लास्ट फंदा बढ़ाने के बाद भी एक सिलाई और बना ली है। अब जो अंगूठे वाले ये 16 फंदे हैं इनको हम अलग निकाल लेंगे। ये अंगूठा हम अलग से बाद में बनाएंगे और इतना पोर्शन अभी हम प्लेन और बना लेंगे। तो अंगूठे वाले फंदे निकालने के लिए हम इनको एक सेफ्टी पिन में उतार लेंगे। यहाँ पे ये 16 फंदे हमने अंगूठे के लिए रखे थे, तो 8 फंदे पहले एक अलग सलाई पे निकाल लेंगे। अब 8 फंदे निकालने के बाद इसको इस तरह करके एक फंदा ये और एक फंदा ये इस तरह अल्टरनेट लेके हम एक पिन पर उतार लेंगे। पहला कोई सा भी आप ले सकते हैं, पहले आगे का या पीछे का, लेकिन अल्टरनेट ही लेना है।
देखिए 18 फंदे निकलने के बाद अब हमें इसको कंटिन्यूस बुनना है, लेकिन इस सिलाई पे फंदे बहुत कम बचे हैं, इसमें बहुत ज़्यादा हो गए, इसलिए हमें इन तीनों पे ये फंदे इक्वल करने पड़ेंगे, वरना हमें बुनने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो कुछ फंदे हम इस पे उतार लेंगे। हमारा थ्रेड इधर है तो हमें इधर से आगे बढ़ना है। एक दो फंदे इधर के बुनने के बाद फिर हम ये निडिल चेंज कर लेंगे। यहाँ वाला फंदा एकदम टाइट लें, यहाँ पे गैप नहीं बचना चाहिए। देखिए यहाँ पे बिल्कुल भी गैप नहीं बचा। अब इसमें फंदे बहुत कम हैं, तो यहाँ से थोड़े से फंदे हम इसमें बुन लेंगे। ये देखिए ये फंदे तो अंगूठे के हैं और ये फंदे हथेली के लिए हैं, तो हम यहाँ तक बुन लेंगे लिटिल फिंगर के पास तक। लिटिल फिंगर हमारी थोड़ी नीचे से स्टार्ट होती है, मतलब करीब 10 से 12 सलाई हमें यहाँ तक और बुननी है। देखिए इसकी हमने 12 रो बना ली, तो अब ये बिल्कुल यहाँ तक आ गया। दोस्तों इसको हमने जब स्टार्ट किया था तो इसमें 51 फंदे डाले थे। 51 फंदों में से 3 फंदों को हमने ओवरलैप करने के लिए इसको एक साथ बुन लिया था, तो यहाँ पे 48 फंदे बचे। उसके बाद हमने 14 फंदे यहाँ पे और बढ़ा लिए और 16 फंदे अंगूठे के लिए छोड़ दिए, तो यहाँ पे इस टाइम हमारे पास 46 फंदे हैं। अब इन 46 फंदों को हमें
चार पार्ट में डिवाइड करना है, मतलब ये फोर फिंगर में डिवाइड करना है। लिटिल फिंगर हमारी सबसे पतली होती है, इसलिए इसके लिए हम 10 फंदे छोड़ेंगे और बाकी तीनों उंगलियों के लिए 12-12 फंदे रखेंगे। अब इसमें से हमें अंगूठे के एकदम अपोजिट साइड में 10 फंदे लिटिल फिंगर के लिए छोड़ने हैं। उसके बाद दो रो और बनाएंगे और फिर इनको हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। यहाँ हमने ये 18 फंदे इस साइड ले लिए, इसका ये सेंटर पॉइंट है अंगूठे का, तो यहाँ से हम काउंट करना शुरू करेंगे। यहाँ से काउंट करके 18 फंदे तो हम इसमें रखेंगे और उसके बाद के 10 फंदे यहाँ के हम दूसरे पिन पे निकाल देंगे। और इनको भी हम वैसे ही निकालेंगे जैसे हमने ये वाले निकाले थे अल्टरनेट करके। एक फंदा हम इसमें से ले लेंगे और फिर एक फंदा पीछे वाले में से लेंगे, फिर एक फंदा इसमें से लेंगे और फिर एक फंदा पीछे वाले में से लेंगे। देखिए 10 फंदे हो गए इसके ऊपर, अब इसको हम छोड़ देंगे। अब उसके बाद हम बिल्कुल कंटिन्यूअस निटिंग स्टार्ट करेंगे जैसे हमने यहाँ पे बनाया था। बीच में एकदम टाइट कर लें, लूजनेस ना रहे यहाँ पे बिल्कुल।
इस लाइन को हम बिल्कुल अंगूठे के सेंटर तक निट करेंगे। देखिए यहाँ पे हमने दो रो और बना ली। दोस्तों अब इन फंदों को हम तीन फिंगर के लिए डिवाइड करेंगे, तो इस टाइम इसमें 36 फंदे हैं। 12 फंदे हम एक फिंगर के लिए लेंगे, लेकिन उन 12 फंदों में से 6 इस साइड के चाहिए और 6 इस साइड के, और इनको भी हम बिल्कुल ऐसे ही ऑल्टरनेट करते जाएंगे। लेकिन उससे पहले हम इसको पलट लेंगे, क्योंकि फिंगर्स उल्टा करके बनाएंगे। अभी ये यार्न अंगूठे की साइड है, तो अंगूठे का जो सेंटर है, ये लाइन जो जा रही है सेंटर की, यहीं से हम इसको डबल करेंगे और दोनों साइड से एक एक फंदा लेते जाएंगे। इधर के फंदे तो हम निडिल पे उतार लेंगे, 6 इधर के और 6 इधर के, बाकी दो फिंगर के पिन पे उतार लेंगे। थ्रेड इस साइड है, इसलिए सबसे पहले इधर का फंदा लेंगे। फिर एक पीछे का लेंगे, फिर इधर का लेंगे, सबसे पहले हम यही फिंगर बनाएंगे, इसलिए ये हमने निडिल पे लिया है और इन फंदों को हम पिन पे उतार लेंगे। जैसे हमने ये सलाई पे उतारे हैं, ये फंदे हम पिन पे उतार लेंगे। अब इसको बुनने का तरीका थोड़ा फर्क है, फिंगर भी हमको ऐसे ही राउंड बनानी है, लेकिन हमने एक ही सलाई पे सारे फंदे कर लिए, इसलिए इसको हमें अल्टरनेट बनाना पड़ता है। अब इसमें हम सबसे पहला फंदा बुनेंगे और जो दूसरा फंदा है उसको उतार लेंगे, तीसरा फंदा फिर बुनेंगे और चौथा फंदा उतार लेंगे। जो पीछे वाले फंदे हैं वो उतारते जाएंगे, जो इस साइड के फंदे हैं इनको बुनते जाएंगे, और इनको हम उल्टा करके इसलिए बुन रहे हैं क्योंकि जब ये कंप्लीट होगी, ऊपर से हम इसको बंद करेंगे, तो वो जोड़ सामने की साइड नहीं आना चाहिए, इसलिए हमने इसे उल्टा किया है। आप चाहें तो स्टार्टिंग से ही इसे उल्टा करके बुन सकते हैं। अब इसको टर्न करेंगे और अब बैक साइड वाले फंदे हम बिना निट किए उतारते जाएंगे और फ्रंट वाले फंदे निट करेंगे। अगर आपने दूसरी साइड का भी बुन दिया तो ये आपस में जुड़ जाएगा, फिर इसमें फिंगर अंदर नहीं जा पाएगी। और दोस्तों इसको उतारना ऐसे नीचे से है, ऐसे करके नहीं उतारेंगे।
अब जब यहाँ से भी हम स्टार्ट करेंगे तो ये थ्रेड इसके ऊपर रहना चाहिए निडल के, उसके बाद इसे नेट करेंगे। गलती से भी अगर एक भी पीछे का बुन गया तो ये आपस में ज्वाइन हो जाएंगे। इसी तरह हम अपनी फिंगर की लेंथ के हिसाब से इसको बना लेंगे। ये फर्स्ट फिंगर है, फर्स्ट फिंगर और थर्ड फिंगर नॉर्मली बराबर सी होती हैं, बहुत थोड़ा अंतर होता है। मिडिल फिंगर थोड़ी लंबी होती है और ये छोटी होती है। देखिए दोस्तों, इसमें हमने 21 रोज बना ली, ये बिल्कुल उंगली के बराबर हो गया। अब इसको हम क्लोज करेंगे। क्लोज करने के लिए हम धीरे धीरे दोनों साइड से फंदे कम करेंगे। सबसे पहले यहाँ के दो फंदे, एक आगे का और एक पीछे का, इनको एक साथ बुन लेंगे। एक फंदे को और इसी तरह बुन लेंगे। और इस थ्रेड को आगे करके पीछे वाले फंदे को इस आगे वाले फंदे के ऊपर से निकाल देंगे। अब फिर से इस थ्रेड को पीछे ले लेंगे और इसको हम नॉर्मल बनाएंगे। यहाँ पे तीन फंदे एक साथ कम हो गए। अब इसको टर्न करके हम फिर से वही करेंगे। इधर के दो फंदे हम एक साथ बुन लेंगे। और फिर इसके आगे वाले भी दो फंदे एक साथ बुनेंगे। और फिर पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे उतार देंगे। तो तीन फंदे यहाँ कम हो गए। अब फिर से इस थ्रेड को पीछे करके बचे हुए फंदों को नीट कर लेंगे। अब इस रो में इन सारे फंदों को एक साथ बंद कर देंगे। उसके लिए हम वही करेंगे, पहले आगे वाले दो बुनेंगे, फिर नेक्स्ट टू एक साथ बनाएंगे और अब पीछे वाले को इस आगे वाले के ऊपर से उतार लेंगे। फिर इन दोनों को एक साथ बनाएंगे और फिर इसको इसके ऊपर से उतार लेंगे और फिर इसे बंद कर देंगे। ऊपर से इसका गोल शेप। इसी तरह हम इन सारी फिंगर्स को और थंब को भी बना लेंगे। ऊपर से हमें ऐसे ही बंद करना है धीरे धीरे करके। ऊपर से गोल बहुत बढ़िया शेप आया। देखिए दोस्तों, ये कंप्लीट हो गया। इसमें यहाँ पे टिच बटन लगा दें जिससे ये बंद कर सकें। और ये जो स्टार्टिंग के थ्रेड्स हैं इसमें नॉट लगा के कट करें और इन सारे थ्रेड्स को थोड़ा सा अंदर करके फिर कट कर दें।
अब दोस्तों ये फंदे हम पिन पे उतार के रखते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा इसमें छेद आ जाता है। ये यार्न जितना मोटा होगा छेद उतना बड़ा होगा, पतला यार्न होगा तो ये छेद छोटा होगा। इसको हम निडिल थ्रेड से फिक्स कर लेंगे। इसको फिक्स करने के लिए दोनों साइड के जो यार्न है उसकी जो थिकनेस है उसके बीच में से निडिल को निकालेंगे। अब सबसे पहले इस थ्रेड की नॉट को फिक्स करने के लिए हम निडिल को इन दोनों थ्रेड के बीच में से निकाल लेंगे जिससे ये थ्रेड फिक्स हो जाएगा। हमने इसमें नॉट लगाई है वो तो इसमें से निकल जाएगी, इसलिए इसको फिक्स करना जरूरी है। बहुत ज्यादा की जरूरत नहीं है, बस दो तीन टाँकों से ये एकदम ठीक हो जाएगा। देखिए छेद यहां से एकदम खत्म हो गया। इसी तरह हम इन सब में भी ठीक करेंगे। देखिए बहुत सॉफ्ट बहुत कंफर्टेबल ग्लव्स तैयार। दोस्तों हमने यहाँ से फिंगर्स बनाना स्टार्ट किया था, इसमें मैंने 21 रो बनाने के बाद दोनों साइड से फंदे कम किए हैं, इसमें मैंने 25 रो बनाने के बाद दोनों साइड से फंदे कम किए हैं, इसमें 23 रोज हैं और इसमें 18 रोज हैं, और अंगूठे में भी 18 रो बनाने के बाद हमने ऊपर फंदे कम किए हैं। दोस्तों कुछ लोगों की हथेली थोड़ी ज़्यादा लंबी होती है, फिंगर्स छोटी होती हैं, लेकिन कुछ लोगों की फिंगर्स लंबी होती हैं हथेली छोटी होती है। इन नंबर्स को आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों बहुत बढ़िया बहुत सॉफ्ट और बहुत कंफर्टेबल हैंड ग्लव्स बन गए। ये मैंने वुल से ना बना के कॉटन थ्रेड से बनाए हैं, इसलिए आप इन्हें गर्मियों में धूप से बचने के लिए भी यूज कर सकते हैं और ठंड में ठंड से बचने के लिए भी कर सकते हैं। तो अब आप जल्दी से ये बनाइए, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और नया आइटम के साथ। तब तक आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल के बटन पे जरूर क्लिक करिए जिससे आपको मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन फौरन मिल सके, और यदि वीडियोस पसंद आ रही हैं तो उन्हें लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को भी लाइक करें और फॉलो भी करें। नमस्ते, बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब।